पूज्यवर, एक स्त्री पुरुष आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं। स्वामी जी अभी अल्पाहार में व्यस्त हैं, कुछ समय बाद उन्हें अंदर भेज देना। स्वामी जी, लगता है फिर कोई दंपत्ति संतान की चाह में आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है। ये दुनिया भांति भांति के लोगों से भरी पड़ी है बालिके, सब के अपने अपने कष्ट हैं। नानक दुखिया सब संसार, और उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिलने की जहां भी आस होती है वे उसी दर पर अपना माथा टेक देते हैं। बस अब हमारा अल्पहार पूर्ण हुआ, उन्हें बुला लो। स्वामी जी की जय हो। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। स्वामी जी, आपके बारे में सुनकर बड़ी दूर से आपके दर्शनों के लिए आए हैं, इस आशा में कि हमारा उद्धार आपके कर कमलों से ही हो। बोलो बालक, तुमको क्या कष्ट है, हमसे तुम क्या चाहते हो? हमने सुना है स्वामी जी, आपके इस आश्रम में कई निसंतान जोड़े आपकी शरण में आए हैं, जिन्होंने आपका आशीर्वाद पाकर संतान सुख पाया है। हमारी शादी को 3 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन हमारे वंश को रोशन करने वाला चिराग हमें अभी तक नहीं मिला है। स्वामी जी, मैं दुनिया के ताने सुनते सुनते दुखी हो चुकी हूँ। मेरे घर परिवार के लोग मुझे बांझ कहकर परेशान करते हैं। मेरी सास मुझे घर से निकालकर इनका दूसरा विवाह करने की धमकी देती है। यदि यदि मैं मां ना बन सकी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं नहीं बालिके, आत्महत्या के बारे में सोचना भी पाप है। इस ईश्वर ने तुम्हें इतना सुंदर तन, मन और वर दिया है, वो ही तुम्हारी गोद भी भरेगा। माध्यम हम भले ही हों, लेकिन देने वाला ऊपर वाला। कितने उच्च विचार हैं आपके, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस आश्रम का नाम स्वर्ग आश्रम इसलिए रखा गया है, यहाँ आने वाले हर एक को सभी सुख सुविधाएं और आराम मिले। स्वामी जी, हम आपके और इस आश्रम के हमेशा ऋणी रहेंगे। ठीक है बालक, शाम को आकर अपनी औषधि ले जाना। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आपके इस आश्रम में एक फर्टिलिटी सेंटर भी तो चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे पास ऐसे बहुत से जोड़े आते हैं जिनको जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं होने के कारण वे हताशा के भंवर में फंसे होते हैं। ऐसे लोगों को सुकून और शांति प्रदान करने के लिए हम अपने आश्रम में योग, साधना और व्यायाम के अतिरिक्त वैज्ञानिक तरीके से उपचार करके भी उनका इलाज करते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी उनकी नियमित रूप से जांच करते रहते हैं। स्वामी जी, पिछले एक वर्ष में आपके यहाँ पे निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिल रहा है, जिससे आपके आश्रम की लोकप्रियता बढ़ रही है, आपको कैसा लगता है? अरे, बड़ा बेतुका प्रश्न पूछा है तुमने बालक। अपनी सफलता से कौन खुश नहीं होता? हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जब उसमें सफलता मिलेगी तो प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है ना। स्वामी जी, स्वर्ग आश्रम में उपचार के लिए क्या फीस रखी गई है? हमारा संकल्प मानव सेवा का है, व्यापार का नहीं। यहाँ श्रद्धालु जो स्वेच्छा से दान पुण्य कर जाते हैं, उसे हम आश्रम के संचालन के लिए स्वीकार कर लेते हैं। स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे आपके जीवन की महत्वाकांक्षा क्या है। ये तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है बालक। इंसान अपनी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उपलब्धियों की पतंग कब तक उड़े और कब कट जाए कोई नहीं जानता। उसे तो हालात की हवाओं के अनुसार चलना होता है। फिर भी मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि स्वर्ग आश्रम की शाखाएं विदेश के हर देश में हों, और हम भारत में ही नहीं
वरन विश्व के समस्त महत्वपूर्ण देशों में जन सेवा का अवसर पा सके। स्वामी जी, हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? अभी जो कुछ भी स्वामी जी ने कहा वो संदेश ही तो था, और कौन सा संदेश चाहिए आपको? नमस्कार। नहीं नहीं बालिके, साधना करते समय अपना आसन नहीं छोड़ते। देखो, आज आश्रम में तुम्हारी शुरुआत। हम तुमको आज ऐसे आसन और योग बताएंगे जो तुम्हें रोजाना करने होंगे। जी। आसन पर बैठो। जी। बालिके, साधना करते समय साड़ी नहीं पहनते। जी। उतार दो, इसको उतार दो। जी। जी। देखो बालिके, हर काम के लिए अलग अलग वस्त्र होते हैं। घूमने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, और शादी ब्याह में पहनने के लिए अलग। इसमें इतना शर्माना भी क्या? आओ, ये साड़ी खोल दो। जी। उतार दो। अगर यूं शर्माओगी तो योग कैसे कर सकोगी? अपने दोनों हाथ खींचकर ऊपर उठाओ। ऐसा लगता है ये ब्लाउज भी कस रहा है, इसे भी उतार दो। इससे रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न होता है। बोलो, इसे भी उतार दो। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं ब्लाउज नहीं उतारूंगा। नहीं, इसको उतार दो। कोई कमरे में आ गया तो? बाहर द्वारपाल है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। चलो उतारो। नहीं, शर्म आती है मुझे। कमाल करती हो बालिके, अपनी सांस के तानों से तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए क्या? सोचो जरा, कल को उसने अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी तो तुम्हारा क्या होगा? बोलो। नहीं 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 स्वामी जी, हमने पूरी तरह से जांच करवा ली है, दोष आपके पति में ही है, इसीलिए तुमको संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा। और अब ये काम हमको करना होगा बालिके। हाँ, तुमको इस कलंक से मुक्ति चाहिए ना, तो चलो ये ब्लाउज खोलो। चलो निकालो। नहीं नहीं स्वामी जी, उतारो, मुझसे नहीं होगा। उतारो।
स्वामी जी, मुझसे नहीं होगा। धैर्य रखो, सब होगा, सब कुछ होगा। चलो स्वर्ग आश्रम से सुचित्रा बोल रही हूँ। मंत्री जी हैं? हाँ। सर, स्वर्ग आश्रम से सुचित्रा जी का फोन है। सुचित्रा जी, हेलो। सर, मैं सुचित्रा बोल रही हूँ। ओहो, सुचित्रा जी, कहिए, कैसे याद किया? सर, आपको याद होगा, आपने स्वामी जी से वायदा किया हुआ है, हमारे आश्रम के पास जो 50 बीघा सरकारी जमीन खाली पड़ी है उसे आप आश्रम के नाम करवा देंगे। सुचित्रा जी, बिल्कुल याद है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। स्वामी जी इसके लिए 2-3 चेक भेज भी चुके हैं। यदि एक आध चेक और मिल जाता तो जमीन तो आश्रम के नाम हो ही गई, समझो। स्वामी जी कहाँ है? एक मिनट होल्ड कीजिए सर, मैं उन्हीं से आपकी बात करवा देती हूँ। हाँ मंत्री जी, क्या बात है, आपका अभी चेकों से मन भरा नहीं क्या? 2-3 बार तो आप स्वयं चेक लेने हमारे आश्रम आ चुके हैं। कोई बात नहीं, मैंने अभी अभी आपके लिए
एक शानदार नाचता गाता चेक भेजा है और मेरा दावा है कि उसके कैश होते ही आप मेरा काम फौरन कर देंगे। पीए साहब, ये लो फाइलें, आप लोग चलिए, अभी मुझे कोई जरूरी लोग मिलने आ रहे हैं। ठीक है सर, जाइए आप। ठीक है।
कौन? हाँ मंत्री जी। अरे स्वामी जी, अरे भाई मजा आ गया स्वामी जी, आपका चेक कैश हो गया, अब 2 करोड़ की सरकारी जमीन आपकी हुई। अरे नेहा तू, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। अचानक कोई खबर दे दी होती तो तेरे जीजाजी तुझे रेलवे स्टेशन लेने पहुंच जाते। अब अचानक आ गई हूँ तो घर में नहीं घुसने दोगी तू क्या? भी ना मजाक के मूड में रहती है, चला। चल बैठ। और सुना, तेरी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग पूरी हो गई? हाँ दीदी, अब 1 महीने बाद में पोस्टिंग है। 1 महीने तक मैं फ्री थी, फिर आपका फोन आया, तभी मैंने प्लान बना लिया कि मैं तो जयपुर घूमने आ रही हूँ। अच्छा किया। जीजा जी कहाँ हैं? इनकी फैक्ट्री की नई ब्रांच लगाई जा रही है, उसी में बिजी है, अभी आते ही होंगे। अच्छा अच्छा, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती। अरे आप घर का दूसरा काम कर लो, चाय मैं बना लूंगी। नहीं नहीं, तू सफर से थकी हुई आई है, मैं चाय बना कर लाती। अच्छा गर्म गर्म चाय पी। थैंक यू। और सुना, तुझे पोस्टिंग कब तक और कहाँ होने की उम्मीद है? आई डोंट नो दीदी, अब होगा जो देखा जाएगा। हमारा संकल्प, अरे देख नहीं, मानव सेवा का है। ये स्वर्ग आश्रम वाले स्वामी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। मैंने जो फोन पर बताया था ना, मैं इन्हीं के आश्रम जाती हूँ। इनका दावा है इनकी योग साधना और दवाइयों से गर्भवती होने के आसार बन जाते हैं। अरे दीदी, कहाँ इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ रही हो आप? अगर ये इलाज करते तो डॉक्टरों को कौन पूछता? नहीं नेहा, ये अपने तरीके से उपचार करते हैं। वो तो ठीक है दीदी, लेकिन न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, ये आपने देखे नहीं, कितने ही ढोंगी बाबाओं के बारे में बताया जाता है, और तो और न जाने कितने ही काले धंधों में ये इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं नेहा, सभी लोग एक जैसे थोड़े ही होते हैं। आप क्यों पक्ष ले रही हो इन स्वामी जी का? देख नेहा, कोई आदमी कैसा भी हो, यदि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो और हमें क्या चाहिए? लगता है इस स्वामी ने आपको अपने रंग में पूरी तरह रंग लिया है। मेरा बस चले दीदी, तो ऐसे स्वामियों को पब्लिक के सामने नंगा करके सलाखों के पीछे भिजवा दूं। अच्छा बाबा, स्वामी जी को सलाखों के पीछे बाद में पहुंचाना, पहले तू कपड़े बदल ले, तेरे जीजाजी आते ही होंगे, फिर हम घूमने चलेंगे। ठीक है दीदी। पूज्यवर, थानेदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आने दो। स्वामी जी प्रणाम, पाए लागू। आइए आइए थानेदार साहब, इस बार तो बहुत दिन में पधारे हैं, सब ठीक तो है? सब ठीक है महाराज, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी बताइए। पिछली बार जो लोहे का थोक व्यापारी आपके पास पेट दर्द का इलाज कराने आया था ना? हाँ हाँ, वो अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक तो है महाराज, लेकिन उस ससुरे को न जाने कैसे पता लग गया है कि फर्टिलिटी सेंटर में उसका ऑपरेशन करके उसका गुर्दा निकाल लिया गया है। अच्छा, वही गुर्दा जो मंत्री के साले के लगाया गया था? हाँ हाँ वही, वो ससुरा FIR लॉज कराने आया था। तो अब क्या होगा? अरे अरे, आप घबरा काहे को रही हैं? हमारे होते हुए भला महाराज के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है? साले को धमका और दिया है, अगर भविष्य में FIR दर्ज करने की सोची तो साले को मठिया मीट कर दूंगा। अब समझ में आया कि सवेरे सवेरे काहे को तुम्हारे SP साहब हमसे चेक मांग रहे थे। लो, काम हमने किया और चेक आपने SP साहब को दे दिया। थानेदार साहब, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप तो जानते हैं हमारे पास इतनी मोटी चेकबुक है।
आपका चेक आपके पास पहुंच जाएगा। एक हर जय महाराज। आप तो आदेश करें। महाराज, पिछली बार जो चेक आपने थाने भेजा था उसमें बहुत से लोगों ने अपना हिस्सा ले लिया था, मुझे क्या मिला? मैं चाहता हूँ चेक थाने भेजने के बजाय चेक मुझे यहीं दे दें। जैसी आपकी इच्छा। देखो थानेदार साहब को शेफाली जी के पास ले जाओ। स्वामी जी, हमें इस प्रकार मिलते हुए 15 दिन हो गए हैं। आपके किए हुए इलाज का कोई असर हो रहा है? हमारे फर्टिलिटी सेंटर के डॉक्टर्स ने जो तुमको दवाएं दी थी वो तो खा रही हो ना तुम? हाँ, और उन्होंने कुछ टेस्ट भी करवाए थे, उनकी रिपोर्ट आजकल में आने वाली है। और फिर आपका इलाज भी तो चल रहा है ना? आज मैं तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी दूंगा बालिके, जो तुम खुशी से उछल पड़ोगी। सर स्वामी जी, सुनाइए ना, जल्दी से सुनाइए ना। देखो बालिके, हम जो काम इतने दिन से यहाँ कर रहे हैं, अब वो तुम्हें 2-3 दिन अपने पति के साथ करना होगा। क्या मतलब? अरे भाई, उसके बाद ही तो हम बाकायदे तुम्हारी प्रेगनेंसी की घोषणा कर पाएंगे। क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई? बिल्कुल। ओ स्वामी जी, खुशी से मैं मर ना जाऊं कहीं। स्वामी जी, आई लव यू स्वामी जी, आई लव यू स्वामी जी। लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? अब तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? अब तुम अपने घर जाकर अपने घर वालों को आराम से बता सकती हो कि तुम माँ बनने वाली हो। और आज अपनी अंतिम मुलाकात है। ये बताओ, आज की इस अंतिम मुलाकात को यादगार नहीं बनाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज का दिन मेरे जीवन में सबसे खास है। स्वामी जी, आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी? स्वामी जी, कैसे चुकाऊंगी मैं आपका? मुझे आपका कर चुकाना है स्वामी जी। अरे दीदी, दीदी किसका कर चुकाना है आपको? नहीं, हाँ। और कब तक सोती रहोगी? आपकी रिपोर्ट लेने फर्टिलिटी सेंटर भी जाना है। आप उठो, तैयार हो जाओ। कितना प्यारा सपना देख रही थी, तूने सब तहस नहस कर दिया। सपने में कर्जदार थी ना, सपना टूटा कर्ज भी छूटा। अब उठो, तैयार हो जाओ। जीजा जी आए उससे पहले तो हम रिपोर्ट लेके आ भी जाएंगे। उठो जल्दी से। ये लीजिए। डॉक्टर साहब कब मिलेंगे? डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप मिल सकते हैं। थैंक यू। मैं आई कम इन सर? आइए आइए। थैंक यू। ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपकी है? जी नहीं, ये मेरी सिस्टर की है, बाहर बैठी हैं। देखिए, आप स्वयं पेशेंट नहीं हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
ये पेशेंट प्रेग्नेंट चांसेस हो जाएंगे। आप दो एक दिन में सोच लीजिए, फिर जैसा आप निर्णय लेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम दो दिन में सोच के बता देंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब हैं? जी अंदर हैं। हेलो, बैठिए। आइए आइए श्याम साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तो क्या सोचा सरला जी के बारे में? अब सोचना क्या है डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा था वैसा ही करने का मानस है। तो ठीक है, कल से हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। पहले ऑपरेशन के जरिए बच्चेदानी की ब्लॉक ट्यूब को खोलेंगे, उसके बाद ओवरी में स्पर्म्स को इंसेमिनेट करेंगे। जैसा आप उचित समझे। वैसे आपके यहाँ कोई लेडी डॉक्टर नहीं है क्या? आप चिंता ना करें, ये काम सब लेडी डॉक्टर ही करेंगी, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है। तो आप वो फीस की रकम? हाँ हाँ, ये आपके 3 लाख रुपए का चेक, और अब आप काम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, लो इस पे दस्तखत कीजिए। ये लीजिए डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार, मैं सुचित्रा बोल रही हूँ। बोलो डॉक्टर, क्या काम है? सुचित्रा जी, स्वामी जी को बता दीजिएगा, जैसा वो चाहते थे वैसा हो गया है। मतलब? उस सरला वाले केस में वैसे तो मामूली सा ऑपरेशन होने की जरूरत है, लेकिन मैंने उसके पति को बता दिया है कि टेस्ट ट्यूब से ही आपकी पत्नी गर्भवती हो पाएगी, इसमें 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। गुड, वो मान गया? हाँ हाँ, मान भी गया है और 3 लाख का चेक भी दे गया है। चेक मैं भिजवा रहा हूँ। शाबाश डॉक्टर, तुम 10-15 दिन में ऐसा एक आध मुर्गा फंसा ही लेते हो। स्वामी जी बहुत खुश होंगे। अरे हमसे कहाँ प्रसन्न होते हैं स्वामी जी, उन्हें तो तुम ही खुश कर पाती हो। जहाँ तुम उनकी गोद में बैठी तो उनका चेहरा खिल उठता है। शट अप। डॉक्टर साहब, नेताजी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब मंत्री महोदय आ गए हैं तो आपकी हर समस्या का कोई न कोई उपाय अवश्य निकल आएगा। प्यारे शहरवासियों, जब से मैंने सुना है हमारे एरिया से 2 बार 2 लड़कियां गायब हुई है, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने थाना इंचार्ज को आदेश दे दिया है, हमें हर कीमत पर बच्चों को ढूंढना ही चाहिए। भाइयों, आप लोगों का गम मेरा गम है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ, जब तक बच्चों का पता नहीं चल जाता तब तक मैं अन्न के दाने के हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पूज्यवर,
अरब से जो दो शेख साहब आने वाले थे वो आ चुके हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, स्वामी जी कब से उनकी राह देख रहे हैं, बुला लो उन्हें। जी देवी। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार शेख साहिबान, नमस्कार। गोची, तुम तो बहुत बड़ा आश्रम बना के बैठा है, बड़ा नाम है तुम्हारा। हमने तो सोचा था तुम कोई छोटा सा मंदिर लेके बैठा होगा। यहाँ का लोग तुम्हें गोड़ के माफिक पूछता है। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। तुम्हारा एजेंट को हम ऑर्डर दिया था, मिला? हाँ हाँ सर, आपका ऑर्डर मिल गया था, आपका पार्सल तैयार है। कितना पार्सल है? 4। लेकिन हम तो 8 पार्सल का ऑर्डर दिया था। देखिए, अभी तो हमारी डील की शुरुआत है, आप जानते हैं कितनी रिस्क है। अभी 4 ले जाइए, बाकी हम भिजवा देंगे। कमाल है, तुम्हारा एजेंट बोला एक एक लड़की का 5-5 लाख रुपया लेगा। हमको कबूल हुआ, फिर भी 4 का ही इंतजाम किया। इस बार तो आप 4 ही ले जाइए, बाकी हम खुद पहुंचा देंगे, आपको बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको मालूम हमारे मुल्क में औरत का कितना जरूरत है? हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत जल्दी आपका ऑर्डर पूरा कर देंगे। स्वामी, हम तुम्हारे मुल्क में आया, हमारे खातिर नहीं करेगा। हमको ये तुम्हारा दोनों छोकरी लोग बहुत पसंद आया। शेख साहब, ये दोनों तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, ये तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, आपको और इससे भी अच्छा माल देता हूँ। कहाँ गए स्वामी जी? अरे थानेदार साहब, आप इस समय, आपको तो पता है स्वामी जी इस समय संध्या में बैठे हुए होते हैं और वो किसी से नहीं मिलते। मुझे मालूम है, मेरे पास स्वामी जी के नाम गिरफ्तारी वारंट है। क्या? हाँ हाँ, गिरफ्तारी वारंट। बहुत खुराफात कर ली उन्होंने, अब उनके दिन बदलने वाले हैं। उन्होंने अरब के शेखों को जो यहाँ की लड़कियाँ बेची थी वो पकड़े गए हैं और उन्होंने स्वामी जी का नाम भी ले लिया है। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, गजब हो जाएगा। स्वामी जी का इतना बड़ा साम्राज्य पल भर में धराशायी हो जाएगा। अब मैं कहाँ तक आड़े आऊँगा और तुम भी कहाँ तक उनका साथ दोगी? नहीं नहीं थानेदार साहब, कुछ करिए ना, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? स्वामी जी से जो भी तुम्हें मिल रहा था वो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ, तुम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगा। हमें ही नहीं, स्वामी जी को भी बचाने का कोई रास्ता अगर आप निकाल सकते हैं तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। मैं मजबूर हूँ, वैसे स्वामी जी के प्रति आप लोगों की श्रद्धा भक्ति देखकर बड़ी खुशी हुई। स्वामी जी से पुराने संबंधों को देखते हुए
इतना मैं कर सकता हूँ कि मैं स्वामी जी को पुलिस की जीप में नहीं बैठाऊंगा। मैं अपने दोनों हवलदारों को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। जब स्वामी जी आए तो आप तीनों अपनी वैन में मेरे हवलदारों के साथ आ जाएं। याद रहे, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ हुई तो आप जानती हैं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। स्वामी जी, जब तक मेरी गोद नहीं भर जाती ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हम तुम्हारी गोद भर कर ही रहेंगे बालिके, इसमें हमको चाहे कितना भी समय लग जाए। यू आर सो स्वीट स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, एक बात कहूँ? बोलो बालिके। आपके पास इतना पैसा है, फिर आप ये साधु की तरह क्यों रहते हैं? हम कुछ समझे नहीं बालिके। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने ये बाल कटवा कर फिल्म स्टारों की तरह रहा कीजिए ना। फिल्म स्टार्स तो खुद हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं बालिके। लेकिन वो खुली हवा में सांस तो लेते हैं, आप है कि बस अपना जीवन एक ही कमरे में बिता रहे हैं। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है बालिके। जरा सोचिए, आप और मैं खुली सड़क पर मोटरसाइकिल पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएं तो कितना मजा आएगा। हुआ स्वामी जी? कुछ नहीं बालिके। पूज्यवर सोहन सिंह जी आपसे प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। हाँ हाँ, उन्हें आने दो। स्वामी जी आइए आइए। सोहन सिंह जी, आप जब भी आते हैं कोई ना कोई खुशखबरी लेकर ही आते हैं, इसलिए आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। तो कहिए, आज आपका आना कैसे हुआ? आज की खबर सुनकर आप खुश जरूर होंगे। अपना 1 करोड़ का हेरोइन लेके जो जहाज मुंबई पहुंचा था, उससे पूरा माल सही सलामत अपने गोदाम में पहुंचा दिया गया है। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा स्वामी जी, इस मुल्क में जिस जिस पान वाले तक अपना माल जाता है, उन तक भी माल सही सलामत पहुंचा दिया गया है। शाबाश, तुम बहुत काम के आदमी साबित हो रहे हो सोहन सिंह। सब आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। आपके निर्देशानुसार इस पूरे मुल्क में हेरोइन का नेटवर्क फैलाकर अपन काम कर रहे हैं और किसी को कानो कान तक खबर नहीं है। और हाँ, जिन जिन पान वालों को अपन ने माल सप्लाई किया है, उन्हें स्पष्ट निर्देश है कि बिना जांच पड़ताल के कोई भी माल न दे, ताकि अपन को भविष्य में कोई खतरा ना हो। हम आपसे बहुत खुश हैं सोहन सिंह जी। अब की बार
विदेश में हमारे आश्रम की कोई भी शाखा खोली जाएगी तो उसका हेड हम आप ही को बना देंगे। आपका आशीर्वाद स्वामी जी यूं ही मिलता रहा तो मैं भी अपने काम को इसी तरह अंजाम देता रहूंगा। ये 1 करोड़ रुपया एडवांस है। ओह शाबाश शाबाश, इसे संभालिए। मैं चलता हूँ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कुछ लोग आए जो आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। देख रही नहीं, तुम खाना खा रहे हैं। नेता जी, बाहर कौन लोग? उनके नेता को बुलाओ। मंत्री जी ने वादा किया था हमारी बच्चों को ढूंढने में पूरी जान लगा देंगे, लेकिन आज तक लड़कियों का कोई पता नहीं। देखिए मंत्री जी खुद भी बेहद चिंतित हैं। आपको याद है उस दिन उन्होंने कहा था कि जब तक बच्चों का पता नहीं चल जाता तब तक अन्न का दाना तक नहीं छुएंगे, और तब से लेकर आज तक इन्होंने अन्न को छुआ तक नहीं, केवल फल और सूखे मेवे खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। आपको मालूम है इन्होंने क्या कुछ नहीं किया? बहुत से कड़े कदम उठाए हैं, थानेदार के अलावा पुलिस के बहुत से हवलदारों को सस्पेंड करने की कार्रवाई चल रही है। हमने अखबारों और टीवी चैनलों पर भी बच्चियों के विज्ञापन दे दिए हैं, और उन्हें ढूंढकर लाने वाले के लिए 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है, और हर एरिया के गुंडों और बदमाशों से भी संपर्क साधे जा रहे हैं। पर काम तो होते होते होगा ना, यूं हल्ला करने से बच्चियां थोड़ी आ जाएगी हैं? आयुष्मान भव, आइए इसी होटल में वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब क्या चक्कर है स्वामी जी, आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये हम कहाँ आ गए हैं? बालिके, हमसे मिलने के लिए यहाँ एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है जो इसी होटल में ठहरा है, हम उसी से मिलने यहाँ आए हैं। लेकिन थानेदार साहब ने तो मुझे कुछ और ही कहा था, इन्होंने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ हाँ बालिके, तुम लोगों से मिलने से पहले मेरी इनसे बात हो गई थी, इसीलिए तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ यहाँ चला आया। तो फिर थानेदार साहब आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं आपको ये देखना चाह रहा था कि आप स्वामी जी को कितना चाहती हैं। भगवान ना करे कभी बुरा वक्त पड़े तो स्वामी जी का साथ तो नहीं छोड़ देंगी। आपने कहावत सुनी होगी, जब जहाज डूबने लगता है तो सब अपनी जान बचाते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। आखिर मैं तो हमेशा स्वामी जी के साथ ही रहूंगा। अच्छा, तो आप हमारी परीक्षा ले रहे थे? जी हाँ। तो फिर क्या पाया आपने? मैंने ये पाया, आप तो स्वामी जी के सच्ची भक्त हैं। बुरा वक्त पड़ने पर आप स्वामी जी के लिए अपनी जान भी दे सकती हैं। ओके, नाउ यू रिलैक्स, मैं उन लोगों को बुला के लाता हूँ जिनसे आप मिलने आए हैं। कितने लोग हैं डेलीगेशन में? कोई खास नहीं, 2 पुरुष और 1 महिला। हमारे उच्च अधिकारियों का फोन आया था उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, इसीलिए मैंने उन लोगों को आश्रम ले जाने के बजाय यहाँ बुला लिया है। लेकिन निश्चित रूप से वो लोग आश्रम भी देखना चाहते होंगे। बातचीत के बाद वहाँ का प्रोग्राम बना लेंगे। डोंट वरी, यू रिलैक्स, मैं उन लोगों को बुला के लाता हूँ।
Oh. Hello, police officer. How are you? I am fine, sir. Are you ready to meet Swami? Mr. Rodericks? Oh, yeah, yeah. We are ready. Hey, come on, guys. Okay. Meet Mr. Gilbert. Hello. And hi. Hi. Miss Ruby. Hi. Hello. Come with me. Sure. ये है स्वामी जी. हेलो. सुचित्रा. रोड्रिक्स. गिलबर्ट एंड रूबी. आप लोगों को भारत आकर के कैसा लग रहा है? वेरी गुड. बहुत अच्छा लग रहा है. अरे आप हिंदी जानती हैं? ओह आई नो वेरी वेल. एक्चुअली माय फादर न्यूयॉर्क में है एंड माय मदर इंडियन है. सो I am an Anglo-Indian. फिलहाल मैं उसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ जिसके ऑनर को आपने स्वर्ग आश्रम न्यूयॉर्क में खालने के लिए लिखा था. हमारे स्वामी जी के जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है कि उनके स्वर्ग आश्रम की शाखाएं सभी देश विदेशों के शहरों में हो. पहले इन्हीं लोगों के आने का प्रोग्राम था लेकिन यह लोग हिंदी नहीं जानता इसीलिए हमें इनके साथ आना पड़ा. प्लीज लिसन टू मी स्वामी जी. अब हम आपका आश्रम देखना चाहेंगे उसके एक्टिविटीज को देखना चाहेंगे और विजिट भी करना चाहेंगे. हाँ हाँ क्यों नहीं. हम लोग योग साधना से लोगों की बीमारियों का इलाज करने का प्रयास करते हैं और मेडिसिन से टेंशन दूर करने का उपाय भी हम ही बताते हैं. मेरे ख्याल से इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा. आप कहे तो इनको मैं जयपुर घुमाने ले जाऊं? Oh yes, not a bad idea. ठीक है, तो मैं इन्हें ले जाता हूं. Come on, gentlemen. स्वामी जी, हमें लगता है आप हमसे अकेले में बात करना चाहते हैं. आपकी नजरें बड़ी पारखी हैं. आपने हमारे दिल की बात समझ ली लेकिन घबराइए मत. ये बालिका हमारे शरीर का एक अंग है. हम इसके सामने कोई भी बात कर सकते हैं. वैसे भी स्वामी जी शाम की आरती का समय हो गया है. मैं आरती के लिए निकलती हूँ. तब तक आप रूबी जी से बात कर लीजिए. ठीक है बालिके, जैसा तुम उचित समझो. नमस्कार. फिर हम लोग भी मेरे कमरे में चलते हैं वही आराम से बात करेंगे. हाँ शायद यही उचित रहेगा. स्वामी जी आप ड्रिंक तो करते ही होंगे. नो नो तौबा तौबा. लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है. आंखें तो आपकी भी बोल रही है. भरता है जाने क्यों डरता है धड़कने क्यों है
ऐसा लगता है कि तुम मेनका बनकर आ गई हो बालिका, किंतु फिर भी इस विश्वामित्र को तुम बहुत भा गई हो बालिका। तो तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे तन की खूबसूरती ने मेरे होश उड़ा दिए। तो मुझे अपना हमराज बना लीजिए ना, मैं सदा सदा के लिए आपकी होना चाहती हूँ। आपसे एक बात पूछूं, क्या आपका भजन कीर्तन से काम चल जाता है? तुम तो जानती हो रूबी, मेहनत की कमाई से आज आदमी दो जून की रोटी भी नहीं कमा सकता। और फिर मैंने तो इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे ही नहीं स्थापित किया है। तो क्या क्या करते हैं आप? तुम ये ना समझना कि मैं शराब के नशे में बोल रहा। आज किसी आदमी से कोई काम करवाने के लिए उसके पास लड़की भेजनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो आदमी आइसक्रीम की तरह मेरे कदमों में आके गिर जाता है। मेरी भी एक प्रेमिका थी, लेकिन वो उल्टा एक पैसे वाले के चक्कर में आकर मेरा सच्चा प्यार छोड़कर भाग गई। और उस दिन के बाद से मुझे दुनिया की सारी औरतों से नफरत हो गई। उस दिन के बाद से मैं दुनिया की हर औरत को नंगा करके उसमें अपनी प्रेमिका की छवि देखता हूँ। और क्या क्या काम करते हैं आप? सारे देश में सेक्स रैकेट चलाता हूँ, और अरब के सौदागर को मैंने 30 लाख में अभी 4 लड़कियाँ बेची हैं, और उनसे 10 का ऑर्डर और मिला है। इस देश के अफसर और नेता साले ऐसे भूखे भेड़िए हैं, उनके सामने औरत का जिंदा मांस फेंक कर उनसे चाहे जो काम करा। आज बड़े बड़े धुरंधर मेरे पांव छूते हैं, मेरे आगे नाक रगड़ते हैं, और मुझको मुंह मांगा दाम देने को लालायित रहते हैं। इसी रूट का मैं फायदा उठा रहा हूँ। ये जनता इतनी भोली है कि मेरे पैर छूकर मुझे दान भी देती है और मुझे सर आंखों पर भी बिठाती है। पूजे पर दो युक्तियां जो अपना नाम नेहा और समीना बता रही हैं, प्रवेश की अनुमति चाहती हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। Thank you.
नमस्कार स्वामी जी। सदा सुखी रहो देवियों, बैठो। आपका आश्रम बहुत अच्छा है स्वामी जी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मेरे ब्रदर न्यूयॉर्क में हैं। हाँ, हम जानते हैं बालिके, अब आप ही हमारे बारे में वहाँ बताओगे जिससे हमें वहाँ आश्रम खोलने का अवसर मिले। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने, इसने सारी रिपोर्ट तैयार कर ली है और आपके आश्रम की जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमने कैमरे में कैद कर ली हैं। आप चाहें तो देख भी सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो भी एक्टिविटी रह गई है हम उसे ऐड कर देंगे। हाँ हाँ, तो लाइए हम देख लेते हैं आपका सीडी। ये लीजिए, इसे आप अपने सीडी प्लेयर में लगवा दीजिए। तुम ये न समझना कि मैं शराब के नशे में बोल रहा हूँ। आज किसी आदमी से कोई काम करवाने के लिए उसके पास लड़की भेजनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो आदमी आइसक्रीम की तरह मेरे कदमों में आके गिर जाता है। और क्या क्या काम करते हैं आप? सारे देश में सेक्स रैकेट चलाता हूँ और अरब के सौदागर को मैंने 30 लाख में अभी 4 लड़कियां बेची और उनसे 10 का ऑर्डर और मिला है। इस देश के अफसर और नेता साले ऐसे भूखे भेड़िए हैं, उनके सामने औरत का जिंदा मांस फेंक कर उनसे चाहे जो काम कराओ। ये जनता इतनी भोली है कि मेरे पैर छूकर मुझे दान भी देती है और मुझे सर आंखों पर भी बिठा। घबराइए नहीं स्वामी जी, ये अपने ही लोग हैं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे। स्वामी जी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉरेन डेलीगेशन से जो लोग आए थे वो मेरे ही भेजे हुए थे। आप जैसे शातिर इंसान का पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। अब आप जेल में जाकर चक्की पीसिए। चलिए यहाँ से। ऐसे साधु संतों पर कैसे हो विश्वास, इनके काले कर्मों ने जग का किया विनाश, न जाने क्या होगा जगत का क्या होगा, न जाने क्या होगा जगत का क्या होगा। स्वामी जी, कहते हैं एक अच्छा तैराकी हमेशा डूबा करता है, क्या कभी आपने सोचा था कि आप इन सलाखों के पीछे आओगे? हर बुराई का अंत एक न एक दिन तो होना ही होता है। आपकी काली कमाई और काले कारनामे उजागर हो चुके हैं। जिन लोगों को आपने ठगा और जिन लोगों का आपने शोषण किया, क्या उनके प्रति आपकी कोई सहानुभूति है? सहानुभूति तो है ही, लेकिन हमारे देश की जनता इतनी भोली भाली है कि वो धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ऐसे अंधविश्वास ही शोषण और ठगी को जन्म देते हैं। तो अब तो लोगों को शोषण और ठगी से मुक्ति मिल जाएगी? एक मुझको गिरफ्तार करने से क्या होगा, इस देश में मेरे जैसे हजारों ढोंगी साधु जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ भांति भांति का खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
ऐसे ढोंगियों के कारनामे अगर इसी तरह चलते रहे तो इस देश की जनता धर्म के प्रति आस्था को खत्म कर बैठेगी। दो चार लोग जो वास्तव में धर्म और सुसंस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके प्रयासों को न सिर्फ धक्का लगेगा वरन इस देश से आध्यात्म और सुसंस्कृति का नामो निशान मिट जाएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझ जैसे ढोंगी साधुओं को सद्बुद्धि दे, जिससे इस देश में धार्मिक भावनाओं का हनन न हो।